हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए अप्लाइड एंड रिजनल स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। उससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है जहाँ आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार श्रेणी का गुणात्मक मॉडल है द मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज मॉडल इज। तो आपको पता है कि दो तरह के मॉडल हैं, एक हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव होता है, दूसरा एडिटिव होता है, यानी कि एक गुणात्मक होता है दूसरा योगात्मक हो जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों का गुणात्मक मॉडल दे रखा है तो उसका फॉर्मूला आपसे पूछा है कि उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है। y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस टी प्लस आई, y इज इक्वल टू टी एस सी आई। जो टी एस सी आई है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको, जब कुछ नहीं लगा होता बीच में दो चीज़ों के तो वहाँ पर मल्टीप्लेक्शन होता है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मॉडल जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। टी एस सी आई होता क्या है, तो टी से ट्रेंड हो जाएगा, एस से सीजनल वेरिएशन हो जाता है, सी से चक्रीय उछाल होता है यानी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते हैं, और आई से क्या हो जाता है, इररेगुलर फ्लक्चुएशन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार श्रेणी का युगात्मक मॉडल है। अभी आपने पहले इससे क्वेश्चन में देखा कि गुणात्मक मॉडल है वो क्या होगा, अब यहाँ पर आपसे पूछा है योगात्मक मॉडल यानी कि एडिटिव मॉडल क्या होता है। तो y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स पावर टू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एडिटिव मॉडल यानी कि युगात्मक मॉडल है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, वहाँ पर क्या था कि आपको जो मल्टीप्लाई करना था यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल था तो मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर आपको योगात्मक है तो ऐड करना है। सीधा सीधा देखिएगा, जहाँ पर एडिटिव मॉडल पूछेगा तो वहाँ पर ऐड करना है यानी कि टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। बाकी क्या होता है टी और एस, तो मैंने पहले ही बता दिया, आप जो गुणात्मक मॉडल होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होगा, बस सिंपल वही रहेगी, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त हस्त वक्र विधि में त्वरित मान प्राप्त होते हैं, द ट्रेंड वैल्यूज इन फ्री हैंड कर्व मेथड आर ऑब्टेंड बाय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ सेकेंड डिग्री पैराबोला ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि यहाँ पर जो आप लोग का मुक्त हस्त वक्र विधि होती है यानी कि जो फ्री हैंड कर्व मेथड होगा, तो वहाँ पर जो मान निकाले जाते हैं, जो वैल्यूज निकाली जाती है ट्रेंड की, वो तो कैसे निकाली जाती हैं, तो वो निकाली जाती हैं ग्राफ के बेसिस पे, वहाँ पर ग्राफ बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये किस चीज़ को निकालने का मेथड है, ये मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। ये जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है, जो ट्रेंड होता है उसको निकालने का मेथड होता है, यानी कि सेकुलर ट्रेंड को निकालने का मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी बदलाव पैदा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक डैश हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सीजनल वेरिएशन आर डैश, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, वेदर एंड सोशल कस्टम, चेंज इन फैशन। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो सीजनल वेरिएशन होते हैं, जो मौसम के कारण चेंजेस हो जाते हैं, तो वो चेंजेस किन फैक्टर्स की वजह से होते हैं, या कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके लिए जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर होंगे वो हो जाएगा वेदर एंड सोशल कस्टम, मौसम और सामाजिक रीति रिवाज। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी विविधताओं को मापने की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि डैश है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशन इज डैश, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, लिंक रिलेटिव मेथड, मैटर ऑफ सिंपल एवरेज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप लोग के सीजनल वेरिएशंस होते हैं तो उसको मेजर करने का जो कौन सा ऐसा मेथड है जो ज़्यादा यूज किया जाता है, वो मेथड हो जाता है रेशियो टू ट्रेंड मेथड यानी कि अनुपात से प्रवृत्ति विधि। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार श्रेणी विश्लेषण में अनुमानित चार प्रकार की भिन्नताओं में से एक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ वेरिएशन दैट इज एस्टिमेटेड इन टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर कॉस्टिंग ट्रेंड साइक्लिकल इररेगुलर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चार तरह की जो आप लोग के कार श्रेणी विश्लेषण में दे रखे हैं, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है, उसमें से कौन सा ये नहीं है, प्रगति भी होती है, चक्रीय भी होता है, अनियमित भी होता है, कौन सा नहीं होता, फॉरकास्टिंग नहीं होता, अनुमानित नहीं होता है। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और फोर्थ कौन सा है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए किसमें जो फोर्थ और है वो कौन सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय कुरानवान की विधियां हैं। देयर आर मेथड्स ऑफ बिजनेस फॉर कॉस्टिंग, सेल्स एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, बोथ ए एंड बी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो जो बिजनेस फॉरकास्टिंग होती है, क्योंकि बिजनेस में फॉरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में दो तरह का एनवायरनमेंट आ जाता है, एक तो इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट पे तो हमारा कंट्रोल रहता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपका पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अनसर्टेन है। फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कब गवर्नमेंट के कौन से रूल्स चेंज हो जाए, कब इकोनॉमी में कौन से चेंजेस आ जाएँ, कब जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू मूल्य बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको नहीं पता होता। लेकिन आप एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, एक फॉरकास्टिंग करी जाती है, जिससे कि हम अपने प्लानिंग कर सकें, उसी के अकॉर्डिंग वो खुद को तैयार कर सकें किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए। तो वहाँ पर फॉरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी विधियाँ कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर पार्श्व विश्लेषण भी होता है और प्रतीक गमन विश्लेषण, ये दोनों ही क्या रहती हैं, बिजनेस फॉरकास्टिंग के मैथड्स होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में एक निश्चित अवधि के लिए दिए गए समांकों के आधार पर किसी भावी समय बिंदु के लिए मूल्य ज्ञात किया जाता है। इन डैश द वैल्यू फॉर ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा और ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटर्नल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल प्रोजेक्शन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, यहाँ पर एक तरह से आपको कुछ मैथड्स बता रखे हैं, आपको ये बताना है कि जो डिफिनेशन एक दे रखी है वो किस मैथड की है, कि डैश में एक निश्चित अवधि के लिए समांकों के दिए गए समांकों के आधार पर किसी भावी समय बिंदु के लिए मूल्य ज्ञात किया जाता है। बाह्यग्रहण या गणितीय प्रक्षेपण, कार्यशैली विश्लेषण, अर्थमिति विधि, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कोई एक सर्टेन टाइमिंग दे दी आपको, एक निश्चित अवधि दे दी है, उसमें जो समांक है यानी कि जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप उसका एक अनुमान लगाते हैं, उसकी एक फॉरकास्टिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है या वो किस विधि में आता है, तो वो हो जाता है बाह्यग्रहण या गणितीय प्रक्षेपण, यानी कि एक्सटर्नल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल प्रोजेक्शन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो बिजनेस फॉरकास्टिंग होती है उससे निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो उसी में से एक आपका ये बाह्यग्रहण या गणितीय प्रक्षेपण भी होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि कौन से मेथड्स होते हैं, तो बिजनेस बैरोमीटर्स होते हैं, जिस तरह से जो इंडेक्स हैं आपके, इंडेक्स भी क्या होते हैं, बायोमीटर्स की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस बायोमीटर्स भी होते हैं, जो व्यवसायिक निर्देशांक निकाले जाते हैं उसको बिजनेस बायोमीटर्स कहा जाता है। बाह्यग्रहण या गणितीय प्रक्षेपण जो आपने पढ़ा अभी, टाइम सीरीज एनालिसिस भी इसमें आता है, ये भी एक इसका मेथड है। प्रतीक गमन रिग्रेशन एनालिसिस भी है, इकोमेट्रिक मेथड भी है, ओपिनियन पोल भी है, फैक्टर लिस्टिंग मेथड भी है। तो ये सारे मेथड्स हो जाते हैं जो आप लोग का बिजनेस फॉरकास्टिंग है उसको उसके निकालने की उसकी टेक्निक्स हैं ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्षा एवं कृषि उत्पादन में संबंध का पूर्वानुमान किस तकनीक द्वारा किया जाता है। विच टेक्निक इज यूज टू फोरकास्ट द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी कि जब वर्षा होती है और साथ ही जो उत्पाद कृषि का उत्पादन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि जब वर्षा अच्छी होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बारिश कम होती है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो ये इसके बीच जो रिलेशन निकाला जाता है, तो उसका परिमाण जो होगा वो किस मेथड से किया जाता है, किस टेक्निक से किया जाता है। टाइम सीरीज एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, नन ऑफ दीज। तो इसका जो परिमाण लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है जो रिग्रेशन एनालिसिस यानी कि प्रतिगमन विश्लेषण जो होता है उसके माध्यम से, उसके बेसिस पर इसको निकाला जाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन सी, और ये परिमाण की फॉरकास्टिंग की टेक्निक है, अभी पहले मैंने आप लोग को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक पूर्वानुमान के किस सिद्धांत में सहसंबंध गुणांक तथा पिंडरेखी नीतियों का प्रयोग किया जाता है। इन विच थ्योरी ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड लाइनर मेथड आर यूज्ड, एक्शन रिएक्शन, टाइम लाइन, इकोनॉमिक रिदम, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो बिजनेस फॉरकास्टिंग की टेक्निक है, इसमें कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें जो कोरिलेशन है और उसकी जो लाइनर मेथड है उसका यूज किया जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया विधि, समय विलंबना, आर्थिक लय विधि, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें यूज़ किया जाता है, जो टाइम लैग विधि होती है जिसे सीक्वेंस थ्योरी भी बोलते हैं, उसमें किया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि जो भी बिजनेस में चेंजेस होते हैं, जो ऐसे परिवर्तन होते हैं, वो एक साथ नहीं होते बल्कि एक सीक्वेंस में होते हैं, एक क्रम में होते हैं। यानी कि दो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उनके बीच में कुछ टाइम गैप रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझें कि अगर जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर अगर हम सेलिंग प्राइस में जो हम कमी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि डिमांड कितनी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे बढ़ेगी, एक टाइम लगेगा बढ़ने में, एकदम से नहीं बढ़ जाएगी। तो वही जो बीच का डिफरेंस होगा, जो टाइम लैग होता है, वही आपका इसी मेथड में यूज़ किया जाता है, जो कोरिलेशन है मेथड उसका। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है। बिजनेस इंडेक्स इज यूज इन बिजनेस फॉर कॉस्टिंग, इन बिजनेस प्रिंसिपल, इन कॉमर्शियल मैथड्स, नन ऑफ दीज। तो जो बिजनेस इंडेक्स होते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है, तभी मैंने बताया था कि बिजनेस इंडेक्स भी क्या है, एक व्यवसायिक अनुमान का मैथड है, यानी कि उसको भी निकालने का एक थ्योरी है, उसको भी निकालने का एक मैथड है, एक टेक्निक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिजनेस फॉर कॉस्टिंग। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखते हैं जो नेशनल प्रोडक्शन हो रहा है, या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, या जो वेजेस होती हैं, या प्राइजेस होते हैं, सबके इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं ना। इंडेक्स के बेसिस पर हम देखते हैं कि दो वर्षों के बीच में क्या चेंजेस आए हैं, दो ईयर्स के बीच में क्या चेंजेस आए हैं, तो इंडेक्स ही तो निकालते हैं, तो वही बिजनेस बैरोमीटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक अनुमान एक पूर्व विज्ञान नहीं वरन डैश है। बिजनेस फॉरकास्टिंग इज नॉट ए कम्प्लीट साइंस बट डैश आर्ट आइडल साइंस फिजिक्स नन ऑफ दीज। तो जो आप लोग का व्यवसायिक अनुमान है उसको पूरी तरह से कम्प्लीटली साइंस नहीं माना जाता, उसे एक आर्ट माना जाता है। आर्ट में बताती है कि कैसे हम किसी काम को करें, विज्ञान साइंस में बताता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन जो हमें आर्ट है वो ये बताती है कि कैसे होना चाहिए, किसी काम को करने का मेथड बताती है आर्ट हमें। तो यहाँ पर जो व्यवसायिक अनुमान है, बिजनेस फॉरकास्टिंग है, वो हमको एक मेथड देता है कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, उससे हम कैसे निपटें, कैसे काम को तैयार करें, कैसे हम उसके लिए रेडी रहें। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वानुमान की विधि का चयन किस घटक के आधार पर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डैश फैक्टर द मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग इज सिलेक्टेड। यहाँ पर आपके बहुत से मैथड्स और टेक्निक्स मैंने भी आप लोगों को बताया, लेकिन कौन सा मैथड या टेक्निक का हम यूज कब करेंगे, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इसको देखा जाता है। पर्पस ऑफ फॉरकास्टिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, पेयर ऑफ फॉरकास्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही ऑप्शंस जो दे रखे हैं उन तीनों के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस टेक्निक का, किस मैथड का हम यूज करेंगे। उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट होगा, या कितने हमें उसके लिए समंक हैं, जो पहले से हिस्टोरिकल डेटा है वो अवेलेबल है हमारे पास, या फिर हमारे जो हम पुराना लगा फोकस कर रहे हैं उसके टाइम पीरियड क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि हम कौन सी बिजनेस फोकसिंग का टेक्निक या मेथड का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है या मान्यता किस सिद्धांत पर आधारित है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ दैट दिस अजम्पशन इज बेस्ड ऑन। इकोनॉमिक रिदम थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी, सीक्वेंस थ्योरी, एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी। तो हम लोगों ने ये लाइन बहुत सुनी होती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये उन्होंने बहुत सुना है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि ये जो सिद्धांत है ये जो है किस पर बेस्ड है, किस थ्योरी पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड हो जाता है विशिष्ट ऐतिहासिक समानता के सिद्धांत पर, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी, ये इस पर बेस्ड है। और इसी के एक अपोजिट भी पूछता है कि हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, नहीं दोहराता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि नहीं दोहराता है, हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फॉस्कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी। ये प्रतिकार आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत पर आधारित है, जब पूछे कि हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ। अगर क्वेश्चन है पूछ रहा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो उसका आंसर जो हो जाएगा थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी, विशिष्ट ऐतिहासिक समानता का सिद्धांत। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक पूर्वानुमान बिजनेस फॉर कॉस्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल इवेंट्स इन द फ्यूचर, प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर पॉलिसीज, मिनिमाइजेस द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस, ऑल ऑफ दीज। इसमें पूछ रहा है कि जो बिजनेस फॉर कॉस्ट होते हैं उसमें क्या चीजें आती हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको बताना है, तो कौन सा पॉइंट उसमें आएगा। भविष्य में संभावित घटनाओं के बारे में जानकारी देना बिल्कुल देता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसी के बेसिस पर तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अपना प्लानिंग किस तरह से करनी है। भविष्य की नीतियों के निर्धारण का आधार प्रस्तुत करना कि जो भी फ्यूचर में पॉलिसीज हम लोग को बनानी है उसके लिए बेस मिलता है हमको। व्यवसायिक उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करता है, यानी कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो बिजनेस होता है उसमें दो तरह के एनवायरमेंट रहते हैं, तो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, सिर्फ हम उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। तो कुछ भी चेंजेस जो हो सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हम अपने आप को भी ढाल लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं हम उसको हमको रेडी रखते हैं उस चीज़ के लिए कि अगर जो है कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पर हमारे बिजनेस को उन चेंजेस का इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते कंजूसी करते हैं, लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।